आज के वीडियो में हम जानेंगे इंट्राखेत के बारे में, जिसे हम कैनूला या इंट्राखेत कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, इनका क्या यूज है और कैसे पहचाने कि कौन सा नंबर का कौन सा इंट्राखेत है और इसको हम कब यूज करेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के रहते हैं, ये कलर कोडेड के हिसाब से हम इनको पहचान सकते हैं। तो सबसे छोटी साइज का रहेगा ये येलो कलर का, उसके बाद में इसके बाद में आता है ये ब्लू कलर का, ये रहेगा 22 नंबर का और ये रहता है 24 नंबर का येलो वाला। उसके बाद में आता है ये और रहेगा 20 गोज का और इससे छोटा रहेगा 18 नंबर का, लेकिन ये साइज़ में बड़ा रहता है। जैसे जैसे साइज घटती जाएगी इनकी जो ये लंबाई है वो बढ़ जाएगी और इससे हम जो फ्लूड देंगे तो वो भी ज़्यादा मात्रा में दे पाएंगे। और उसके बाद में ये ग्रे कलर का आता है, तो इसकी साइज़ है 16 नंबर की और इससे हम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में एक मिनट में जो फ्लूड है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे, ये पीछे यह है येलो कलर का इंट्राखेत और इनको बच्चों में यूज करते हैं, छोटे बच्चों में, और ये 24 नंबर का रहता है और इसमें कुछ पीछे जानकारी दे रखी है। तो ये सभी इंट्राखेत में पीछे जानकारी दे रखी होती है, तो इसमें यहाँ पर दे रखा है साइज, तो ये रहेगा 24 गोज का और इससे हम इसका जो डायमीटर रहता है ये है 0.7 × 19 mm और इसकी जो फ्लो रेट रहती है तो एक मिनट में हम 20 ml फ्लूड इससे दे सकते हैं। ये सबसे छोटी साइज का रहता है और इसको बच्चों में यूज करेंगे। इससे ज़्यादा फ्लूड देना रहता है हमें तो इससे ब्लू कलर के इंट्राखेत का यूज करेंगे और ये 22 नंबर का रहेगा और इससे हम एक मिनट में 36 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूड दे सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा यदि हमें फ्लूड देना है तो फिर लगाएंगे हम, और ये 20 नंबर का रहता है 20 गोज का और इससे हम 60 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूड दे सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा यदि हमें फ्लूड देना है तो ये ग्रीन कलर का हम यूज करेंगे। ये 18 नंबर का रहता है और इससे हम एक मिनट में जो फ्लूड देंगे तो उसकी मात्रा रहेगी यहाँ पर 90 ml पर मिनट, 90 ml पर मिनट के हिसाब से इसमें मैक्सिमम हम IV फ्लूड दे सकते हैं। उससे भी ज़्यादा यदि हमें देना है तो हम ग्रे कलर का यूज करेंगे, इसका नंबर है 16 गेज का है ये, और इससे हम 200 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूड दे सकते हैं। तो जो कैजुअलिटी में पेशेंट आते हैं एक्सीडेंट वाले या उनका जो ब्लड लॉस हो जाता है तो उनके लिए हम ये वाला इंट्राखेत यूज करेंगे। इसके लिए हमें बड़ी वाली वेन चाहिए लगाने के लिए, और छोटो जो बच्चे होते हैं तो उनमें जो वेन होती है वो बहुत ही छोटी होती है, तो उनमें ये वाला हम इंट्राखेत यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना इंट्राखेत कौन से कलर का कितने नंबर का रहता है और इससे हम कितना फ्लूड दे सकते हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ये 24 नंबर का रहेगा, येलो कलर का रहेगा और इससे हम कम फ्लूड दे पाएंगे, एक मिनट में 20 ml फ्लूड दे पाएंगे और इसको बच्चों में यूज करेंगे। उसके बाद में ये 22 नंबर का रहता है, ये 22 नंबर का रहेगा, ये ब्लू कलर का रहेगा और इससे हम एक मिनट में जो फ्लूड देंगे तो वो दे सकते हैं हम 36 ml पर मिनट। उसके बाद 20 गोज का रहता है और इससे हम 60 ml फ्लूड दे सकते हैं एक मिनट में। उसके बाद में ये ग्रीन कलर का रहेगा और इसका 18 नंबर का गोज रहता है और इससे हम जो फ्लूड देंगे तो उसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो 90 ml पर मिनट रहेगी, इससे सबसे ज़्यादा फ्लूड दे सकते हैं। और इसका जो नंबर है वो 16 नंबर रहेगा और इससे हम 200 ml पर मिनट के हिसाब से फ्लूड दे सकते हैं मरीज को। थैंक यू। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्राखेत लगाना। तो ये जो पेशेंट है इसका पटेला का ऑपरेशन होना है तो इसको हम इंट्राखेत लगाएंगे। तो जो पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है तो उसके लिए हम पहले चूज करेंगे कौन सा हमें इंट्राखेत लगाना है। ये पटेला सर्जरी होनी है जो कि इस बात से हम होती है जिसमें ब्लड रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इसलिए हमें 18 गोज कम से कम मिनिमम 18 गोज तो खेल लेती है, पेन होना जरूरी है, जो 16 गोज भी डाल सकते हैं इसमें अपन, बाकी वेन अच्छी प्रोमिनेंट हो चुकी है। अब इसको हम डालने वाले हैं, तो सबसे पहले इसको इसको हम पहले क्लीन करेंगे स्पीड से। स्पीड से क्लीन करने के बाद इसमें हम 16 गोज का क्लीनर डालेंगे जो कि ग्रे कलर का होता है, 16 गोज। इससे 220 ml पर मिनट पर मिनट के फ्लू से जा सकता है। अगर छोटी सी लगा रहा है ठीक है, पीछे बुलेट आया वो यहाँ कुछ कर दिए।
करवाई जल्दी, स्ट्रेट निकाला, ये कनेक्ट किया और ये पुश कर दिया। फाइल ले गया इमरान भरत, आधे घंटे में फाइल लेके आ रहा है। फाइल नहीं है तो एनएससी वाले जब भी आई निकालते हैं तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं।